देखिए दोस्तों, ये नालासोपारा स्टेशन है, यहाँ से मैं निकला हूँ और यहाँ से मैंने राइट टर्न ले लिया है और राइट टर्न जस्ट बाजू से ये मैं सीधा जा रहा हूँ मच्छी मार्केट। ठीक है, ये रास्ता मैंने मेंशन कर दिया, आप ये देख लो कच्चा रास्ता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं आ गया हूँ नालासोपारा में, एक हज़रत की बारगाह में, जो सैयद इशाक साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह हैं। और वो छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ पर उनका आस्थाना है। तो फिलहाल ये देख रहे हैं, मैं इधर साइड से आया हूँ, अभी आपको दिखाता हुआ आया हूँ। और ये है हज़रत की दरगाह, देख रहे हैं ये। तो अभी यहाँ से मेरे को ऊपर चढ़ के जाना है, तो चलो चलते हैं, कितना टाइम लगता है बताता हूँ आपको डिटेल में। मैं नीचे ही हूँ, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा पहाड़ी, ये पूरा पहाड़ काट के ये रोड बनाया है। सोचो कितना बड़ा ये पहाड़ होगा, इधर ये बस्ती है और इधर साइड पर हज़रत की बारगाह है। तो ये देखो ऐसा कुछ दिखता है ये बाहर का नज़ारा, चलो चलते हैं अभी ऊपर। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं अभी मेन एंट्रेंस पर, अभी यहाँ से मेन चढ़ाई शुरू है, देख सकते हैं। ये इधर से मैं आया हूँ अभी, और ये अभी मेरे को इधर जाने का है, तो चलो चलते हैं। ये देख सकते हैं पूरा नालासोपारा दिख रहा है, ये बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी हैं चारों तरफ। ये हज़रत का आस्थाना है और मैं भी ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं, बस थोड़ा सा चलना बाकी है। चलो ये अभी हम ऊपर चढ़ के आ गए हैं, सांस फूल रही है मेरी। ये हज़रत का आस्थाना है, देख सकते हैं। यहाँ से अभी मैं आया हूँ चल के, चलो अभी अंदर चलते हैं। दोस्तों अभी मेरा वज़ू वगैरह हो गया है, बना लिया मैंने वज़ू, और अभी चलता हूँ मैं ज़ियारत के लिए, और फिर आपको भी ज़ियारत कराता हूँ। ऐसा स्टेप है, चलिए ये हजरत की ज़ियारत कर लीजिए। सैयद इशाक साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह, ये कुछ ऐसा है इनका आस्थाना। तो देख सकते हैं आप, कुछ बाहर का नज़ारा है, देख सकते हैं ये पूरा नालासोपारा दिख रहा है, पूरा नालासोपारा कितना हाइट पर है। शायद जूम करके दिखाऊं तो आपको, मैं ही यहाँ से चल के आया हूँ अभी, और ये ऐसा कुछ है, देख सकते हैं ये पूरा नालासोपारा दिख रहा है यहाँ से, पूरा नालासोपारा, ये पूरा नालासोपारा। और ये ऐसा भी कुछ है, यहाँ से दिखाता हूँ अभी आपको, ये चलते ऊपर। ये ऐसा कुछ है यहाँ का आउटिंग एरिया, यहाँ पे जब उर्स होता है 11 मुहर्रम को उर्स होता है, देख सकते हैं आप ये पूरा है। और ये इधर बाथरूम वगैरह भी है, देख रहे हैं पानी की टांकी रखी है बाथरूम में। उर्स वगैरह होता है तो यहाँ पे पूरा ये फुल हो जाता होगा। तो अभी मैंने ज़ियारत वगैरह सब कर ली है, तो ये ऐसा कुछ नज़ारा है, देखो आप, बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ का। तो दोस्तों
ये हैं हज़रत हाजी मोहम्मद कुट्टी शाह बाबा और ये हैं इशाक शाह बाबा। तो मैंने दोनों की ज़्यारत कर ली है, माशाल्लाह बहुत सुकून मिला मुझको। और यहाँ पर जो खादिम लोग हैं उन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मुझे माशाल्लाह। तो अभी मैं इनको सलाम करके यहाँ से निकल रहा हूँ। और ये मस्जिद है जो पहले नॉर्मल पतरे की बनी थी, लेकिन अभी बहुत अच्छे से बन गई है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप। और ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, बाकी तो सब आपको दिखा चुका हूँ। ये वज़ू का एरिया है, वज़ू करने का है ये। और बहुत सुकून है यार, झाड़ वाड़ हैं इधर, सुकून है, छाँव में बैठे हुए मस्त। पीने का पानी भी है यहाँ पर, और छोटी सी एक किराने की दुकान भी है जहाँ पर फूल चादर वगैरह जो भी आपको लेना है वो ले सकते हो। और ये जो एरिया है यहाँ पर, जब बाबा का उर्स होता है तो यहाँ पर कव्वाली होती है, खाना वाना लंगर वगैरह जो भी है यहाँ पे वो होता है, और पब्लिक भी यहाँ पे काफ़ी रहती है। तो अभी दिखाता हूँ मैं, नीचे चल के भी आपको दिखाता हूँ, बाकी ऐसा कुछ नज़ारा है। और एड्रेस तो मैंने आपको बता ही दिया था कि नाला सुपारे से उतर के आएंगे, वेस्ट में आइए। किसी को भी पूछेंगे ना पहाड़ी शाह वाले बाबा कौन से हैं, तो वो आपको यहाँ पे इजी एड्रेस है, राइट टर्न लेके हार्डली 8 से 10 मिनट में आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो बाकी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। कई टाइम से मैं सोच रहा था कि यहाँ पर भी आऊँ, लेकिन जब बुलावा होता तभी हाज़िरी मुमकिन हो पाती है। तो ऐसा है कुछ नज़ारा। चलो इधर से अभी मैं निकलता हूँ, दिखाता हूँ फिर आपको। तो ये मैं नीचे उतर आया हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। देखो ये ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ पे जब उर्स वगैरह होता है तो ये पूरा रास्ता भर जाता है, मतलब ये पूरा जो है पूरा भर जाता है, क्योंकि यहाँ पे खाना लंगर वगैरह ये होता है, लोग रुकते हैं, कव्वालियों का प्रोग्राम वगैरह होता है। तो आप देख सकते हैं ये नीचे खाड़ी है पूरी, और ये हजरत का आस्थान आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ है नज़ारा यहाँ का। और धूप माशाल्लाह बहुत कड़क पड़ रही है, देखिए। तो दोस्तों चलो अभी यहाँ से मैं नीचे उतर रहा हूँ, नीचे का भी आपको दिखा देता हूँ। और थोड़ा स्टेप्स है ना, तो देख के उतरना पड़ता है, नहीं तो गिर पड़ूँगा फिर। बहुत अच्छा लगा यार यहाँ पर आके, आपको भी आना चाहिए, और काफ़ी अच्छा सुकून मिलता है ऐसी जगह पे आके, स्पेशली जो पहाड़ी पर बसे हुए हैं हजरत, देख सकते हैं उनका आस्थाना ये है। बाकी इधर ये लोकल बस्ती है पूरी, ठीक है। तो मैं अभी नीचे उतर रहा हूँ, चलो नीचे उतरता हूँ, आपको दिखाता हूँ और लास्ट करता हूँ फिर। तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पर नीचे उतर गया हूँ, आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा उतर के फिर मैं चला जाऊँगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना भूल गया ऊपर, जो मुझे बताया था यहाँ के खादिम साहब ने, कि हज़रत का उर्स 11 मुहर्रम को होता है, जो दोनों अल्लाह के वली हैं, हज़रत इशाक शाह बाबा एंड हज़रत कुट्टी शाह बाबा, दोनों का उर्स 11 मुहर्रम को होता है। तो उस हिसाब से आप देख लेना, कभी आना हो यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है ये नज़ारा यहाँ का, पूरा बहुत गर्दी हो जाती है उर्स वाले दिन, और स्पेशली थर्सडे को जुमेरात को काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। पहाड़ी है छोटी सी, चढ़कर आते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों आप बताओ कैसा लगा आपको ये व्लॉग मेरा, और मेरी मेहनत कैसी लगी। आप थोड़ा सा मुझे पुशअप करो, और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखते बहुत है मेरा चैनल, ठीक है, लेकिन कोई कमेंट ज़्यादा नहीं करता है, फ्रेंकली बता रहा हूँ मैं। कमेंट करके करते हो तो थोड़ा सा मुझे एक पुशअप मिलता है कि हाँ चलो मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल मेरे को मिल रहा है अभी। बाकी और दिखाता हूँ, आप बने रहो मेरे ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग करता हूँ यहीं पर एंड। तो अभी मैं नीचे उतरता हूँ,
तो आप लोग दुआ में याद रखिए अपने दोस्त को, आपका दोस्त मुसाफिर कहीं का। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।